हेलो प्यारे बच्चों, अडुला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं गणित क्लास 6 के वर्कशीट नंबर असेसमेंट वर्कशीट 8 नंबर की है, हिंदी मीडियम में 1 दिसंबर के वर्कशीट है। बच्चों 10 क्वेश्चन है, 20 नंबर के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संख्या प्रणाली में आपको इसमें अल्प विराम का उपयोग करके लिखना होगा। तो आप ये देखिए, 4 2 9 3 3 5 9 4 लिखिए, इकाई दहाई सेकंड के बाद कोमा लगेगा, फिर यहाँ पे कोमा लगेगा और 2 अंक के बाद कोमा लगता है। ये है भारतीय संख्या प्रणाली। अब संख्या है, इसका निकटतम 100 तक पूर्ण अंक जो है ये होगा क्या? आप देखिए, निकटतम 100, अगर मैं देखूं ये संख्या 100 देखना है तो आप इकाई और दहाई देखेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 50 से ज्यादा है तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए था? यहाँ पर 7 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 6 है सैकड़े पे, तो इसका मतलब ये कथन सत्य नहीं है, ये असत्य है। क्या है ये? असत्य। निम्न में से आप इसका सही विकल्प चुनना है, तो ये क्या बनेगा? 5, और फिर 1000 पे 0 आ जाएगा, सैकड़े पे 7 है, दहाई पे 0 और इकाई पे 6, यानी 50,706 ऑप्शन होगा ये आपका सेकंड वाला, है ना। नेक्स्ट है, निम्न संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो ये देखिए, 38,926 इकाई है, इकाई मतलब इतने ही है ये, और ये 4,905 दहाई है, ये 3,410 शतक है, तो इसमें आंसर होगा 3,450 शतक, यानी इतने हंड्रेड है, तो ये आंसर होगा। संख्या का नाम, संख्या नाम जो है, ये संख्या नाम लिखना है आपको, ठीक है। 80 करोड़ आप लिखिए, पहले सबसे पहले 80 करोड़ लिख लिया, करोड़ वाली संख्या है ये, 80 करोड़ हो गया, तो 6,000 आ रहा है। लाख कहाँ आ गया? लाख नहीं है, लाख पे ये होगा, और हजार की लाइन में 6,000 है, 10,000 में कुछ नहीं, वहां 0 आ जाएगा, और सैकड़े पे भी कुछ नहीं है, फिर 6,000 हो गया, फिर 53 आएगा और लास्ट में आएगा 53, हो गया इकाई दहाई सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये करोड़ वाली लाइन हो गई, ये लाख वाली है, ये हजार वाली है, तो बनता है ना दो दो जगह जोड़ा। अब इनका क्या बताना है? छठे सवाल में इनका अनुमानित अंतर बताना है, छठा सवाल। तो देखिए, 100 में, निकटतम 100 में देखने के लिए आप दहाई के, इकाई और दहाई के 2 अंक देखेंगे, ये 50 से कम है, तो इसका अनुमानित मान होगा 52,300, ये आ गया, ठीक है। और इसका अनुमानित मान होगा 44,000, क्योंकि 50 से ज्यादा है तो ये एक बढ़ जाएगा, 4400। अब हमें निकालना है क्या है? अंतर निकालना है, तो हम इसको घटा देंगे, घटा दीजिए इसको, कितना आया? 0 0 13 में से 4 गया 9, और यहाँ पे 11 में से 4 गया 7, ठीक है, 47,900 आएगा। क्या आएगा? 47,900 अनुमानित है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, चलिए देखते हैं। 7 लाख अंक और विस्तार रूप दोनों में लिखना है, सातवां सवाल। 7 लाख, ये हो गया 7 लाख, फिर क्या है? 400,000, साठ, 400,000 और फिर 60, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो गया एक तरह से देखा जाए। अब इसको आप विस्तारित रूप में लिख लीजिए, विस्तारित रूप में कैसे होगा? इसे विस्तारित है ना, तो इस तरह से लिखिए, 7 गुणा, ये क्या रूप लिखने रही हूँ ना, विस्तारित रूप, 7 गुणा 1 2 3 6 0 होंगे इसके पीछे, 4 हो गए 5 6, फिर 4 के पीछे कितनी जीरो होंगी? 5 0, 1 2 3 4 5, ठीक है, जमा है इस जीरो के पीछे, 1 2 3 4, फिर जमा इस जीरो के पीछे, 1 2 3, फिर इस जीरो के पीछे, 1 2, फिर 6 के 7 10, और फिर 0 आ गया लास्ट। तो ये विस्तारित रूप हो गया ये क्वेश्चन। एक वीडियो गेम में कंपनी ने कुल इतने सफेद और काले गेम कसोल बेचे, ठीक है, 2003 ब्लैक कसोल बेचे, ये सफेद और काले गेम और ये ब्लैक सोल,
और हजारों के करीब में अनुमान लगाए और उन्हें कितने कसौले बेचे हैं, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले आठवां सवाल करते हैं, क्या कह रहा है ये कुल कसौल है, ठीक है, कुल कंसोल 9,337, काले कसोल, काले कंसोल कितने हैं 2,003। तो अगर आप अनुमान लगाएं इसको, अनुमान करना हजार के करीब में, तो इसका अनुमान निकाल लीजिए, 50 से कम, ये 500 से कम है, तो ये 9,000 ही रहेगा, ठीक है, और ये कितना होगा 2,000 होगा, तो अंतर कितना आएगा, सफेद निकालना है ना, सफेद कंसोल, तो 9,000 में से 7,000 को माइनस कर दीजिए, 2,000 अनुमानित आ गए। सवाल आठ हो गया, नौ देखिए, एक कारखाने में दक्षिण अमेरिका में 5,878 और मध्य अमेरिका में इतने कंगन बेचे गए, कुल मिलाकर सैकड़े के करीब कितने कंगन बेचे गए, सिंपल सी बात है, 5,800। नौवा सवाल है, ध्यान देख लीजिएगा, यह छोड़ी नीचे मैं कर देती आराम से आ जाए। नौवा सवाल, 5,878 है, इसका अनुमानित निकालिए, सैकड़े में अनुमानित निकालेंगे तो कितना आएगा इसका, ये देखिए 50 से ज्यादा है तो ये 5,900 हो गया। अच्छा अब अगला है 1947, 50 से कम है तो ये 1900 ही होगा, अब इसको जोड़ लेते हैं तो ये आ गया 78 आएगा ये, ठीक है 7800 आ गया, ये क्या आया है जो 7800 हमें निकालना था, कुल आया, जो कुल कितने कंगन भेजे गए, तो आप इसको लिख लीजिएगा कुल कितने आए थे, अनुमानित कर दिया मैंने 100 के आसपास। अब सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 क्या है, एक तेल के रिसाव एक तेल तट पर बह गया और कुल इतने पक्षियों पर तेल की परत चढ़ गई और स्वयं सेवकों की एक टीम जो है 1020 पक्षियों की सफाई कर चुकी थी, दसियों के करीब अनुमान लगाइए, दसियों में टेंथ में अनुमान लगाना है, स्वयं सेवकों और कितने पक्षियों को साफ, स्वयं सेवकों को और कितने पक्षियों को साफ करने की जरूरत, ठीक है, तो सबसे पहले कुल पक्षी कितने हैं आप ये लिखिए, कुल पक्षी, कुल पक्षी है 7,138, तो दशक में देखिए, इसको देखना इकाई का अंक देखना, ये 5 से ज्यादा है ना, तो अनुमानित कितना हो गया 7,140, ठीक है, तो सफाई कितनी हो चुकी है, सफाई सफाई हो चुकी है 1,020 की, आप इसको देखिए इकाई का अंक, ये 5 से कम है, ये अनुमानित बनेगा 1,020, अभी कितनी जरूरत है सफाई की आवश्यकता, तो हमें कुछ नहीं करना, सीधे अंतर कर देना, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, एक आ गया 6,000 पक्षियों, 6,120 पक्षियों को अनुमान किया मैंने साफ करने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं आपको भविष्य समझ में आ रही होगी, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के जरूर शेयर कीजिएगा, धन्यवाद।